सबसे जरूरी बात बता दें, अगर आप कलम बीम का घर बनवा रहे हो तो 5 फुट से गड्ढा कम ना रखें अपने कलम का, और जो है सेप्टिक टैंक की जो गहराई होगी वो 8x8 से कम बिल्कुल भी ना रखें, बल्कि और ज़्यादा कर सकते हैं तो कर सकते हैं लेकिन कम बिल्कुल भी ना रखें, ताकि आपको भविष्य में जाके कोई दिक्कत ना आए और बहुत ही मजबूती से आपका जो है घर बने। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, आपका संजनी अमेजिंग ब्लॉग्स में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब, आई होप फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो है यादगार, क्योंकि आप लोगों के लिए यूज़फुल तो नहीं है, हमारे लिए यादगार वीडियो है ये। सबसे पहले आप लोगों को जो है कल हैप्पी न्यू ईयर है, तो आज का ओल्ड ईयर जो है हैप्पी ओल्ड ईयर और हैप्पी न्यू ईयर एक साथ हमने आपको विश कर दिया है, क्योंकि कल न्यू ईयर है। और ये वीडियो देखिए आप, हमारे घर की कंडीशन फ़िलहाल इस तरह की है और इसलिए हम YT पे एक्टिव भी नहीं हैं और वीडियो भी नहीं अपलोड कर रहे थे, पर आज सोचा एक वीडियो अपलोड कर ही देते हैं, क्योंकि ये सारा घर जो है आप देख रहे हैं ये हमारा ओल्ड घर है जिसे तोड़ा जा रहा है और तोड़ करके न्यू बनेगा, जो बन भी रहा है, काम स्टार्ट है, चल रहा है। तो ये देखिए हमारी जो है ओल्ड घर है, आधी टूट चुकी है, आधी बची है जिसे और तोड़नी है धीरे धीरे। ये हमारा जो है स्टेयर है जिससे अभी हम यूज करते हैं और ये रहेगा, और इसके बाजू से जो है ओल्ड घर था उसे तोड़ करके फिर से न्यू बनाया जा रहा है। ये देखिए हमारा जो है ओल्ड घर है और यहाँ पर जो है सेप्टिक टैंक है और ये सब जो है बनेगा, अभी आधी तोड़ी गई है जगह बना करके, वहीं पर काम भी चल रहा है, धीरे धीरे हम आपको दिखाएंगे क्या है। और ये वीडियो हमने बोला जैसा कि यादगार है तो हमने इसलिए डाल दिया है कि हमें बाद में याद रहे और हमारे बच्चों को भी याद रहे कि कैसी बनी। ये देखिए हमारा जो है सेप्टिक टैंक का न्यू हमने बना लिया है, निर्माण किया है गड्ढा जो है, इसमें बहुत सारी जो है अंदर फिटिंग हुई है, बट आपको बनने के बाद इतना रेडी नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फिटिंग हुई है, 4 बार तो फिटिंग हुई है, तो बहुत ही मजबूती से बनाई जाती है जो कि हमने देखा है इस बार। और ये देखिए मिस्त्री भाई साहब हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, नाप पीट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है बीम तक की ढलाई हो चुकी है और अब जो है छत की ढलाई होगी, सेंटिंग होगी, उसके लिए नाप पीट हो रही है। आज सेंटिंग का काम होने वाला था, आज नहीं, ये वीडियो मैंने पहले शूट किया था तो सेंटिंग के दिन मैंने शूट कर लिया था इस वीडियो को, और अभी हम आगे दिखाएंगे आपको। और इसमें जो है 8x9 का गड्ढा खोदा गया था और पुटिंग करते करते इतनी बच गई है, और अब देखिए यहाँ पर आपको पूरा दिखा दे रहे हैं कि इतनी चौड़ाई है और इतनी लंबाई है। इसके आगे जो पूरा प्लिंथ बीम का काम हो रहा है, क्योंकि हमें सेप्टिक टैंक जो है जल्दी से तैयार करवाना है, रेडी करवाना है, ताकि हम ओल्ड वाले को जो है तोड़वा सकें। ये जो है ओल्ड वाली है, इसे हमें तोड़वाना है, क्योंकि वो रूम के बीच में आ रहा है, रूम बनेगा वहाँ पर, इसलिए उसे तोड़ना पड़ा, नहीं तो बहुत अच्छी है हमारी, अभी बहुत अच्छी कंडीशन में थी। और ये हमारा ऊपर का भी घर है, देख सकते हो आप, नीचे से ऊपर तक का मैंने लुक दिखा दिया, और ये सब सारे मिस्त्री भाईगण हैं जो काम कर रहे हैं। बड़ी दिक्कत हो रही है, वहीं पर तोड़ो और वहीं पर काम करो, इसमें बहुत दिक्कत हो रही है धीरे धीरे करते करते, पर कर कह सकते हैं। मलबा भी बहुत सारा है, पूरा मलबा उठा के फेंक भी नहीं सकते हैं, इसलिए आधी को तोड़वाया है ताकि इधर से काम होता भी जाए और इधर उधर जो है मिट्टी भी भरती जाए, पूरा जो मलबा है वहीं पर डंप भी किया जाएगा। यहीं पर देखिए पूरा ढेर लगा रखा है, क्योंकि बाहर पूरा नहीं फेंक सकते हैं। और यहाँ पर जो है 2 फुट ज़मीन से ऊपर भी किया जा रहा है, इसलिए मलबा को बाहर भी नहीं फेंकवाना है, क्योंकि वहीं पर सारा यूज हो जाएगा और सेप्टिक टैंक वगैरह भी टूटेगा तो उसके अंदर भी जाने वाला है, इसलिए हम मलबा नहीं फेंकवा रहे और पूरा घर भी एक साथ नहीं तोड़वा रहे हैं, क्योंकि वहीं के वहीं काम हो जाएगा तो फिकवाओ और फिर मंगवाओ तो क्या मतलब है। इसलिए तो ये हो गया, हमने आपको दिखा दिया टंकी तक का काम। देखिए कलम वगैरह यहाँ पर जो है सीढ़ियाँ बनवाने की थी, लेकिन सीढ़ियाँ हमने कैंसिल करवा दी, क्योंकि ये वाला स्टेयर ऑलरेडी है हमारे पास, तो इसी को यूज किया जाएगा, यही सीढ़ी हम यूज करेंगे। और ये जो घर है हमारा ये रहेगा, ये जो हमने आपको ऊपर दिखाया था उसका जो है टूर करवाया था, तो उसमें दिखाया था हमने, ये वाली रहेगी। और इसके बाजू से देखिए कलम खड़ा हो रहा है, तो ये सब जो है यहाँ पर फिर से न्यू बन करके स्टार्ट होके अच्छा से बनेगा। और यहाँ पर और आप जो देख रहे हैं सब, अभी फ़िलहाल इस साल जो है न्यू ईयर में हमारे घर की कंडीशन इस तरह की है, आजू बाजू का जगह देखिए मलबा बाहर भी हमने कितना फेंकवा रखा है। और ये देखिए आज ये ऊपर से लुक है हमारे, जो छत की ढलाई हो चुकी है और दीवार की चुनाई भी हो चुकी है, और यहाँ पर जो है होल है, क्योंकि सेंटिंग में अभी 15 दिन लगेंगे उसे सेट होने में, तब खुली जाएगी, उसके बाद ही रेडी होगा। और यहाँ पर बनेगा सेप्टिक टैंक इसके ऊपर, क्योंकि टैंक है तो इसके ऊपर सेप्टिक, यहाँ पर जो है वॉशरूम बनेगा, जो है अटैच बाथरूम बनेगा, यहाँ पर टॉयलेट और बाथरूम अटैच होगा, यहाँ पर बनने वाला है। और ये सब जो हम आपको दिखा रहे हैं फटाफट से, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, नॉइज़ भी आ रही होगी,
और ये देखिए कलम जो है बीच का खड़ा हो चुका है और बीच का जो है एक लाइन पूरा क्लियर हो चुका है। देखिए बीच में क्योंकि तोड़वा के यहाँ पर जो है कलम पूरी खड़ी हो चुकी है और बिम भी आज खड़ी हो जाएगी, बिम आज लग जाएगी और ढलाई भी हो सकती है बिम की, क्योंकि अभी जो है मिस्त्रीगण आए नहीं हैं, जब वो लोग आ जाएंगे तो ये यहाँ पर काम होगा जो कि लास्ट गड्ढा है, इससे आज जो है चुनाई होगी इसकी और उसके बाद यहाँ से जो है बिम लगाई जाएगी। और बिम की वजह से बहुत सारा काम रुका हुआ है क्योंकि बीच में गड्ढा नहीं था तो उसे खोदा गया है, बहुत मिट्टी भसड़ती है यहाँ पर, इतनी मिट्टी डंप है और इसे में गड्ढा खोदना खोदने वाले को बहुत दिक्कत हो रही है, तो खुद गई है। और ये हमारा ऊपर का छत है जिसे तुड़वा रहे हैं, देखिए बहुत मजबूत है, बहुत दुख भी हो रहा है, बहुत ही अच्छी छत थी पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। और इसे जो है न्यू बनाया जा रहा है तो जब ओल्ड टूटेगा तो न्यू बनेगा, इसलिए हमने एक आध पिक जो है डाल ली है और कैसे बनी है किस तरह से बन गई है, बाद में याद नहीं रहता और बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए भी कुछ यादगार रह जाएगा कि पुराना घर हमारा ऐसा था और अब ऐसा है, तो इसलिए ये देखिए यहाँ से बाजू से चिपक के जाएगी, यहाँ पर जो है वॉल से चिपकेगी और यहाँ हमारे स्टेयर से चिपक जाएगी। ये यहाँ से जॉइंट हो चुका है, कलम लग गया है तो। और यहाँ देखिए ये हमारा जो है अभी ऊपर मेन गेट है, यहाँ पर जो गेट है यहाँ से इस तरह से टूट चुकी है। तो ये थी हमारी जो है घर की अभी कंडीशन, और अभी जो बन रहा है अगले साल जो होगा, नेक्स्ट ईयर जो होगा, अच्छा खासा हमारा घर बन जाएगा। अभी तो तोड़ फोड़ चल रही है लेकिन अगला जो न्यू ईयर आएगा तब तक हमारा घर बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका होगा और फिर हम आपको न्यू घर का लुक दिखाएंगे। अभी तो ओल्ड घर की थोड़ी सी दिखा दी है क्योंकि टूट रहा है तो अच्छा भी नहीं लग रहा, और एक आध पीक इसमें रह जाएगी तो यादगार के लिए हमने बनाया है, हमने पहले ही बता दिया है। और यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि ये जो कलम वगैरह खड़ी हो रही है इसमें गड्ढे बहुत ही ज़्यादा होते हैं, 5-5 फुट का तो गड्ढा होता है और फिलिंग करने के बाद सारा भर जाता है, जैसा कि देख सकते हो गड्ढा अभी इसमें बहुत सारी पुटिंग फिलिंग हो चुकी है, नज़र नहीं आ रही है अच्छे से, और इसके ऊपर बहुत सारी चुनाई हो जाती है और इसके ऊपर 2 फुट अभी और भरने वाला है, 2 फुट और भर जाएगा तो अच्छी खासी मजबूती बनेगी। और रॉड वगैरह सब देख सकते हो, 6 का भी है, ये सब जो है मिस्त्रीगण को समझ में आ जाती है। और आप लोग चाहें तो बनवा सकते हो, बहुत सारी बारीकी चीज़ें होती है जो बाद में पता चलती है, इसलिए पहले से ही बहुत सारी आप अगर घर बनवा रहे हैं तो डिसाइड कर लीजिए कि आपको घर बनवानी है, तो आप 2-3 महीने पहले से ही आप उसके बारे में जानकारी लेना शुरुआत कर लें ताकि बाद में दिक्कत ना आए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है अचानक से, अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आने लग जाती हैं जो कि अभी हम जो है हमें पता चल रही है, जो घर बन रहा है स्टार्ट हुआ है तो कहाँ पर क्या अड़चन आती है, बहुत सारी अड़चन आ जाती है अचानक से भी आती है, तो बहुत सारी सोचनी पड़ती है। और ये सब बस जब तक न्यू बनते तक, न्यू जब बन जाएगी तो बहुत सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी क्योंकि किधर से बनाना है कैसे बनाना है ये बहुत सारी दिक्कत आ रही है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है क्योंकि हमारा प्लॉट जो है 3 साइड से बंद है और बंद वाले प्लॉट में जानते हो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है खिड़कियों की, खिड़की आप जो है अपने मन मुताबिक नहीं डाल सकते हैं, बस जो भी आएगा सामने से हवा आएगा और इसके साथ साथ वेंटिलेटर वगैरह का ही सपोर्ट होगा, क्योंकि आप अगर खुली खिड़कियाँ होती है तो वहाँ पर आप पूरी तरह से खुली जगह में खिड़की डाल सकते हो, और जब सब तरफ से बंद होती है तो खिड़की आप नहीं डाल सकते हो किसी तरफ से, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर सामने वाले की जो खिड़की है अभी हम बना रहे हैं तो उनकी खिड़की जो है बंद होने जा रही है, तो उनकी खिड़की बंद हो जाएगी हमारे वॉल के कारण से। यहाँ पर छज्जा भी था जो हमने तोड़वाया है क्योंकि हमारे दीवार के बीच में आ रही थी तो तोड़वाना पड़ा, और कलम भी खड़ा हो रहा है ये देख सकते हो फिट हो रही है, तो उनकी खिड़की अब बंद हो जाएगी। और हमने भी यहाँ पर वेंटिलेटर डाला है क्योंकि साइड में हमारी ज़मीन नहीं है, तो ऐसी जगह पर आप जो है बड़ी खिड़की नहीं डाल सकते हैं, बस वेंटिलेटर का सहारा करना पड़ता है आपको, तो ये थोड़ी दिक्कत आ जाती है। और सारी जो है रोशनी जो है सामने से ही आएगी, सामने पर ही आपको वेंटिलेटर लगाना पड़ जाता है। तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो बताइएगा, बस एक अपडेट दिया है कि हमारी जो है अभी घर की कंडीशन ये है और यादगार पल है जिसे हम रखना चाह रहे थे, पूरी पिक तो नहीं ले पाए, याद नहीं रहा कि पूरी पिक ले लें घर की पहले तोड़ने से पहले, खैर कोई बात नहीं, इतने में भी याद आ गई तो हमने जो है एक ले लिया है पिक और शेयर कर दिया है। और घर का देख सकते हो बहुत ही प्यारा लुक था घर का, बहुत ही अच्छा घर है देख सकते हो, कंडीशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बट यहाँ पर जो है कलम भी नहीं थी तो इसलिए तोड़वाना पड़ा कलम की वजह से, तो अब जो है कलम पड़ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैप्पी न्यू ईयर।
तक के लिए बाय बाय।